हेलो एवरीवन, साइनी ब्यूटी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि मेकअप में कंसीलर हम क्यों यूज़ करते हैं सबसे पहले, और हम पेन स्टिक फाउंडेशन से हम किस तरह से ब्राइडल बेस बनाएंगे जो कि लॉन्ग लास्टिंग और वाटरप्रूफ बेस होता है। क्लिजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज करने के बाद हमने प्राइमर दे दिया है और इसके बाद हम कंसीलर देंगे। येल्लो टोन का कंसीलर 303 क्रैलोन का, इस तरह से हम एक लेयर दे देंगे पूरे फेस में। मैं पतली सी लेयर दे दूंगी। कंसीलर देने से ये होता है कि जो हमारा मेकअप होता है वो एक तो काला नहीं पड़ता है और जो दाग धब्बे होते हैं ये भी हाइड हो जाते हैं। इस तरह से कंसीलर जो होता है, जो भी फेस में दाग धब्बे और झाइयों के निशान होते हैं को कवर कर लेता है। और अब हम बेस ले रहे हैं, जो कि हम ले रहे हैं पेन स्टिक फाउंडेशन। एक क्रायलोन का पेन स्टिक फाउंडेशन है जिसका नंबर है 45 और ये मीडियम फेयर कलर का होता है। इससे हम पूरे फेस पे पेन स्टिक फाउंडेशन को फैला लेंगे और स्पॉन्ज की हेल्प से मैं पहले इसको अच्छे से फैला लूँगी। इस तरह से पूरे फेस पे अच्छे से फैला देना है। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, वाटरप्रूफ होता है, कवरेज भी बहुत अच्छा देता है। इस तरह से हम पहले स्पॉन्ज से अच्छी तरह पूरे फेस पे फैला लेंगे। स्पॉन्ज की हेल्प से बहुत ही अच्छे से फैलता है बेस। इस तरह से हम आंखों के नीचे भी बेस को लगा लेंगे। इस बेस को हमें हमेशा स्किन टोन को देखते हुए ही देना चाहिए। स्किन टोन के वन टोन या टू टोन फेयर ही हमें बेस देना चाहिए। इस तरह से हमने पहले इस तरह से बेस को फैला दिया है। इसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम बेस को सेट कर लेंगे, जिससे कि बेस लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। इस तरह से हम गर्दन में भी देंगे और कान पे भी लगाएंगे, ताकि जो गर्दन और फेस का टोन है वो एक टोन में रहे। इस तरह से गर्दन में भी हम फाउंडेशन को लगा लेंगे। आंखों के नीचे हम इस तरह से फिंगर से भी हम बेस को लगा सकते हैं। इस तरह से फिंगर से अच्छे से लग जाता है और इस तरह से स्पॉन्ज से हम अच्छे तरह से फैला लेंगे। इस तरह से हमने गर्दन में भी अच्छे से बेस को दे दिया है और इसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बेस को अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्यूटी ब्लेंडर हमने वेट कर लिया था, उसके बाद हम इस तरह से बेस को हम सेट कर लेंगे। इस तरह से मैं जो पेन स्टिक से भी ब्यूटी ब्लेंडर में ले रही हूँ, ताकि कहीं पे अगर बेस कहीं लगाना हो, इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं थोड़ा सा पेन स्टिक से हम बेस ले रहे हैं और इस तरह से अपने फाउंडेशन बेस को हम सेट कर रहे हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करते हुए हम बेस को सेट करेंगे। इस तरह से बेस को सेट करने से जो बेस वाटर प्रूफ हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और एक फ्लॉलेस लुक भी आता है। इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लेंगे। डैब डैब करते हुए हम फाउंडेशन को सेट करेंगे। इस तरह से डैब 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 करके हम बेस को अच्छे से सेट कर लेंगे।
तरह से हम बेस को सेट करने से इतने अच्छे से बेस में शाइन भी आ गई है, इसलिए बेस को अच्छे से सेट करना ज़रूरी है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करते हुए। जैसे गर्दन पे को भी मैं फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। और आइज़ के नीचे अब फिंगर की हेल्प से, इस तरह से हम फिंगर की हेल्प से भी दे सकते हैं जिससे अच्छे से लग जाता है फिंगर की हेल्प से। इस तरह से फिंगर की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। इस तरह से आप फिंगर की हेल्प से भी बेस आंखों के नीचे अच्छे से लगा सकते हैं। फेस के हाईलाइट वाले पार्ट को और अच्छे से उभारने के लिए हम कंसीलर लेंगे। कंसीलर हम जो हमने बेस दिया है, बेस से हम वन टोन फेयर कंसीलर लेंगे। इस तरह से हम कंसीलर को लगाएंगे और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम सेट कर लेंगे। इस तरह से फेयर टोन देने से जो हमारे हाईलाइट्स वाले पार्ट होते हैं वो अच्छे से उभर के आते हैं। हमने कंसीलर को हमने आइज़ के नीचे, नोज़ पे, फोरहेड पे और हमने चिन पे दिया है और इस तरह से हम अच्छे से सेट कर लेंगे कंसीलर को। इस तरह से ये एरिए हाईलाइट हो जाते हैं। उसके बाद हम कंटूरिंग करेंगे। इस तरह से हम नोज़ पे और चिन पे इस तरह से कंटूरिंग करेंगे। कंटूरिंग करने से जो फेस कट है बहुत अच्छा आता है, फेस की लुक शार्प लुक आती है। अब हम अपने मेकअप को बेस को अच्छे से पाउडर से सेट करेंगे, ट्रांसलूशन पाउडर से सेट करेंगे ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और अब हम ब्लश करेंगे जो हमने कंटूर किया था उसके ऊपर से हम इस तरह से ब्लश करेंगे जिससे कि अच्छे से ग्लोइंग हो जाती है। और अब हम हाईलाइट देंगे जो हमने ब्लश दिया था, इस तरह से ब्लश के ऊपर से हम हाईलाइट देंगे, नोज़ पे देंगे, चिन पे, जिससे कि स्किन अच्छे से ग्लोइंग हो जाती है। और अब हम लिपस्टिक देंगे। और इस तरह से हम मेकअप को अच्छे से सेट कर लेंगे सेटिंग स्प्रे से, मेकअप सेटिंग स्प्रे से हम मेकअप को सेट कर लेंगे।